सर्दी के मौसम में आलस और थकान एक आम समस्या है, लेकिन जब आप ऑफिस में बैठे हैं और काम करने का मन ना हो, कुछ किए बिना ही थकान महसूस हो, बेजान महसूस करने लगे, दिन भर नींद आए, बात बात पर गुस्सा आने लगे, तो ये हो सकते हैं बीमारी के लक्षण। नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों। सर्दियों में आपके थकान और आलस की वजह सिर्फ कमजोरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपके थकान की वजह कुछ और भी हो सकती है, जैसे आप क्रोनिक फटीग सिंड्रोम यानी CFS के शिकंजे में भी फंस सकते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये बीमारी है क्या बला। तेजी से बदलती दुनिया और हमारी बदलती जीवन शैली इतनी तेज हो चुकी है कि हमें एक पल की फुर्सत नहीं मिलती। इसी तेज आधुनिक जीवन शैली ने हमें विकास की नई ऊंचाइयों तक तो पहुंचाया है, लेकिन इसके साथ कई अनचाही बीमारियां भी दी हैं। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम यानी CFS भी इन्हीं में से एक है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम CFS को एक ऐसी थकान के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बिना परिश्रम के पैदा होती है और लगातार बनी रहती है। ऐसी थकान में आराम से भी राहत नहीं मिलती और कम से कम 6 महीने तक इस रोग के अन्य लक्षण भी मौजूद रहते हैं। वो आदमी पहले ऐसा माना जाता है कि पहले किसी को जुकाम हुआ, फ्लू के लक्षण हुए, उसके बाद उसको थकान शुरू हो गई और उसके बाद वो थकान ठीक नहीं हो रही है, मतलब बीमारी ठीक हो गई, दवाई ले ली, उपचार हो गया, लेकिन थकान जा नहीं रही है और वो अपना काम धीरे धीरे कम करना लगता है, उसको डे टू डे एक्टिविटी में भी तकलीफ़ होती है, तो तब उसको सस्पेक्ट करना चाहिए कि मुझे ये सिर्फ मेरी ये बीमारी की वजह से नहीं है, मुझे कुछ और बीमारी है। और मिनिमम हम कहते हैं कि थकान के सिम्टम्स अगर 6 महीने से ज़्यादा रहें और इस तरह के जो सिम्टम्स हैं कि आप धीरे धीरे आपको अपने दिनचर्या के काम करने में, फिज़िकल एक्टिविटी करने में तकलीफ आपकी बढ़ती जाती है, आपको उससे कोई भी दवाई लेने से आपको फ़ायदा नहीं होता है, तो तब इसको सस्पेक्ट करते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ये डायग्नोसिस ऐसा तो है नहीं कि आप एक टेस्ट करके उसको डायग्नोस कर लें। डॉक्टर फिर बाकी जो बीमारियां हैं जिससे थकान होता है, जैसे कि थायराइड बीमारी है, डायबिटीज़ है, ये सारी चीज़ों को लोग आप टेस्ट करवा लेते हैं, वो सारे रिपोर्ट्स अगर नॉर्मल आती है तो उसके बाद डॉक्टर इसको डायग्नोस करता है कि ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है। जी हाँ, अक्सर रात में भरपूर नींद लेने के बाद भी अगले दिन मानसिक थकान, बदन में टूटन और बिल्कुल बेजान होने का अनुभव, अक्सर लोग इसे थकावट समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर ये थकावट लंबे समय तक रहती है तो हो सकता है कि आप CFS यानी क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के शिकार हो रही हो। भीषण थकान की स्थिति में मरीज को लगता है कि उसका शरीर बिल्कुल बेजान हो गया है। छोटे मोटे रोजमर्रा के फैसले करना भी पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम लगता है और कई दिन तक मन बुझा बुझा रहता है। हालांकि ऐसे लक्षण मरीज में किसी अंदरूनी मेडिकल समस्या की वजह से भी हो सकते हैं और मानसिक परेशानी की वजह से भी। स्ट्रेस तो सारी बीमारियां, जैसे इवन डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, स्ट्रेस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में भी स्ट्रेस बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे आदमी अपने जो काम कर रहा है वो पूरा कर नहीं पा रहा है, उस पर प्रेशर ज़्यादा है, फैमिली प्रेशर है, वर्क प्रेशर है, इससे जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है, में हो सकता है इससे हार्मोनल बॉडी में इम्बैलेंस हो रहा है, कुछ जो बॉडी में जो एंडोर्फिन सिक्रेट हो रहे हैं उसका इम्बैलेंस हो रहा है, ये सब कारण हो सकते हैं। आमतौर पर हम थकान को आराम करके या नींद लेकर दूर कर लेते हैं, लेकिन इस बीमारी में तो कमजोरी और थकावट आराम करने और भरपूर नींद लेने से भी नहीं जाती। अगर थकान और टूटन के लक्षण 2 हफ्ते से भी ज्यादा दिनों तक रहें तो फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
कभी कभी तो लंबे समय तक बीमार रहना और खराब जीवन शैली के कारण भी कमजोरी हो जाती है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के अधिकांश मामले फ्लू जैसी बीमारी के लक्षण के साथ शुरू होते हैं। कमजोरी के चलते न केवल थकान बल्कि चिड़चिड़ापन, घबराहट, चक्कर आना आदि कई लक्षण नजर आने लगते हैं। कई बार CFS के मरीज असामाजिक व्यवहार भी करने लगते हैं। 5 में से 1 व्यक्ति हर समय हल्की थकान से और 10 में से 1 लंबे समय तक रहने वाली थकान से निढाल रहता है। कई लोगों में थकान कभी न खत्म होने वाली समस्या बन जाती है। ये बीमारी होती है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम यानी CFS। पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में ये ज्यादा देखा गया है। महिलाएं घर के अत्यधिक काम के चलते खुद पर ध्यान ही नहीं दे पाती हैं। गौरतलब है कि शारीरिक थकान से मांसपेशियों की जरूरत से ज्यादा कवायद होती है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर मांसपेशियों में दर्द लगातार बना रहे तो इसकी असली वजह मालूम करना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर कोई महिला जिसकी उम्र 30 के ऊपर है लगातार थकान की शिकायत करती है तो उसको थायराइड की गड़बड़ी भी हो सकती है, और 40 से बड़ी उम्र की महिला को ये समस्या मेनोपॉज की वजह से भी हो सकती है। कोई ऐसा लेबोरेटरी टेस्ट नहीं, ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। सारी बारी बाकी जो बीमारियां हैं जो आपको थकान ला सकती है क्रॉनिक, वो आप एक्सक्लूड कर दें। मैंने बताया थायराइड बीमारी है, डायबिटीज़ है, ये सारी बीमारी को डॉक्टर एक्सक्लूड कर देता है। और बाद में सारे टेस्ट जब नॉर्मल आते हैं और उसके जो सिम्टम्स हैं वो ठीक नहीं होते हैं तो फिर ये लेबल किया जाता है। आइए चलें हाथ धोने की सही और वैज्ञानिक विधि सीखें। हाथ धोना रोगों से बचने की सबसे आसान और असरदार क्रिया है। साधारण तरीके से हाथ धोने पर हाथों के कई हिस्सों में कीटाणु रह जाते हैं जो बाद में बीमारी पैदा कर सकते हैं। अतः हमें क्रमबद्ध तरीके से हाथों के सभी हिस्सों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। हाथ धोने से पहले अंगूठी और घड़ी उतार दें और अपने नाखूनों को हमेशा छोटे रखें। दोनों हाथों को अच्छी तरह से पानी से गीला करें और एक हाथ की हथेली में अगर हो सके तो लिक्विड सोप, और अगर लिक्विड सोप न हो तो साधारण साबुन की बट्टी से दोनों हाथों को अच्छी तरह से झाग बना लें। अब उंगलियों के पोरों के बीच की सफाई के लिए एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों से इस तरह से लें और आगे पीछे करते हुए अच्छी तरह साफ कर लें। हथेलियों की सफाई के लिए दोनों हथेलियों को मिलाएं और अच्छे से रगड़कर साफ करें। हाथ के पिछले हिस्से की सफाई के लिए एक हाथ की हथेली को दूसरे हथेली के पिछले हिस्से पर रखकर अच्छी तरह साफ करें। उंगलियों के बीच की सफाई के लिए दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए उनकी उंगलियों को आपस में जोड़ें या इंटरलॉक करें और अच्छी तरह साफ करें। ऐसा करते हुए ध्यान रखें कि उंगलियों के बीच साबुन अच्छी तरह चला जाए। नाखूनों और उंगलियों के पिछले भाग की सफाई के लिए दोनों हाथों को इस तरह पकड़कर घुमाते हुए साफ करें। अंगूठे की सफाई के लिए एक हाथ के अंगूठे को दूसरे हाथ की हथेली से इस तरह पकड़ें और गोल गोल घुमाते हुए साफ करें। अब हाथों की कलाई को साफ करने के लिए एक हाथ की कलाई को दूसरे हाथ में इस तरह पकड़ें और गोल गोल घुमाते हुए साफ कर लें। अब दोनों हाथों को पानी से अच्छी तरह से धो लें। नल को तेज खोल दें और दोनों हाथों के साबुन को अच्छी तरह बहते हुए तेज धार से साफ कर लें। नल बंद करने से पहले नल की टोटी के या ऊपरी सिरे को भी साफ कर लें। साबुन को सुखा कर रखने के लिए ऊंचे स्थान पर साबुनदानी का प्रयोग कर लें। अब दोनों हाथों को पोंछने के लिए केवल साफ तौलिया या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। दस्ताने पहनने के पहले भी हाथ अवश्य साफ करें, क्योंकि ऑपरेशन या कोई प्रक्रिया करते समय दस्ताने फट सकते हैं और गंदे हाथों के कीटाणु संक्रमण फैला सकते हैं।
आयरन की कमी के कारण अक्सर लोग अनीमिया के शिकार हो जाते हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये समस्या ज्यादा पाई जाती है, जिसका कारण हैवी पीरियड्स होता है। बता दें कि हीमोग्लोबिन का स्तर सीधे तौर पर हमारी ऊर्जा के स्तर को प्रभावित करता है, क्योंकि आयरन की कमी से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह अवरोधित होता है। हमें देखना है कि उसका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे पास बहुत समय है। अगर कम है हीमोग्लोबिन तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। हम एक गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन 11 ग्राम होना चाहिए। अगर 11 ग्राम से कम है तो हम उसमें विशेष तरह से इलाज करते हैं। हो सकता है उनको इंजेक्शन भी लगाने पड़ जाए अगर बहुत कमी है, और कभी कभी खून भी चढ़ाना पड़ता है। तो जैसे ही महिला गर्भवती हो, सबसे पहले 3 महीने में एक बार जाँच कराएँ, फिर दूसरे 3 महीने में एक बार जाँच कराएँ, और फिर आखिरी के 3 महीने में एक बार। एक अनुमान के मुताबिक हर साल लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोग डायबिटीज से प्रभावित होते हैं, पर उन्हें इस बारे में पता ही नहीं होता। हर वक्त की थकान डायबिटीज का शुरुआती लक्षण हो सकता है। बार बार प्यास लगना, पेशाब आना, ज्यादा भूख लगना, वजन कम होना, चिड़चिड़ापन आदि इसके लक्षण हैं। पेट में दर्द, ऐठन, उल्टियाँ, ये होती हैं। इनका कारण, मूल कारण होता है इनका फूड पॉइजनिंग, कि आपके कीटाणु होते हैं वो किसी भी माध्यम से, खाने से, पानी से, किसी भी माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करते हैं और वो इन्फेक्शन को पैदा करते हैं। और कई तो कीटाणु डायरेक्टली इन्फेक्शन को पैदा करते हैं, और कुछ कीटाणु होते हैं जो एक पदार्थ बनाते हैं जिसे हम टॉक्सिन कहते हैं। तो कीटाणु खुद सीधा इन्फेक्शन नहीं करता है, मगर वो टॉक्सिन बनाते हैं जो कि शरीर में, शरीर की आंतों पे असर करता है, और जिसकी वजह से यह सारे के सारे सिम्टम पैदा होते हैं। अधिक काम की बात थकान होना आम बात है, लेकिन हर काम की बात थकान होना सामान्य नहीं होता। अत्यधिक थकान होना कई बार अनीमिया के लक्षणों में शामिल होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ अनीमिया ही हो, लेकिन इसके प्रति जागरूक रहना आपके लिए बेहद जरूरी है। जागरूक होना इसलिए जरूरी है कि आपके शरीर में रक्त कोशिकाओं की कमी होने से बहुत अधिक थकान महसूस होती है। यदि आपको सीढ़ियां चढ़ते समय या जिम में नियमित कसरत करते समय सांस फूलने लगे, तो ये खून की कमी के संकेत हो सकते हैं। त्वचा का रंग पीला होना भी अनीमिया का एक संकेत है। आदमी जब भी कुछ फिजिकल एक्टिविटी करता है तो थकान लगती है। थकान रेस्ट करने के बाद वो उसको ठीक लगता है, थकान कम हो जाती है उसकी। लेकिन ये ऐसी बीमारी है कि आपने कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करी और उसके बाद भी आपकी थकान ठीक नहीं होती है, 24 घंटे से ज़्यादा चलती है। और इस बीमारी में थकान लोगों को इतने हद तक हो जाती है कि वो अपना दिनचर्या का काम भी करने में असफल हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन को, एक क्रॉनिक कंडीशन को हम क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कहते हैं। बता दें कि आयरन का स्तर कम होने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है। अगर आप एकाग्रता में कमी महसूस करते हैं और किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने में आपको परेशानी होती है, तो ये भी अनीमिया का लक्षण है। इसी तरह विटामिन डी की कमी के कारण इम्यून इन्फ्लेमेशन की समस्या भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा इसकी कमी हड्डियों को भी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है। थोड़ा भी चलने में, सीढ़ियां चढ़ने में और रोजमर्रा के छोटे छोटे काम करने में अगर आपको थकान होने लगे, तो समझ लें कि आपका दिल स्वस्थ नहीं है। हो सकता है कि आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम हो। ऐसे छोटे छोटे लक्षणों को अनदेखा ना करें, वरना ये थकान आपको भारी पड़ सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या लक्षण होते हैं। पहले तो जो इंटरनेशनल क्राइटेरिया कहते हैं कि जो मैं लक्षण आपको बता रहा हूँ उसमें एटलीस्ट 3 या 4 लक्षण हो तो हम उसको CFS कहते हैं। एक तो आपका मेमोरी लॉस होना, मेमोरी कम होती जा रही है, जिसको हम ब्रेन फॉग कहते हैं, जैसे धुंध आ गई दिमाग में, तो एक सिम्टम ये है। दूसरा आपके जोड़ों पे दर्द होना, लगातार सूजन नहीं है, दर्द हो रहा है, आपको सिर दर्द हो रहा है बार बार, ये होता है। आपके मसल पेन हो रहा है, सारे शरीर में
मसल में पेन हो रहा है, आपको गले में किसी को, हर एक को नहीं, बट जैसे लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं, गांठें हो जाती है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। इसमें अगर 3 या 4 सिम्टम आपके होते हैं तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये है और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यदि बात करें डिहाइड्रेशन की तो पानी की कमी भी आपकी थकान का एक कारण हो सकती है। गौरतलब है कि हमारे शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत होती है। जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं उन्हें ज्यादा पसीना भी आता है, ऐसे में उन्हें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। आप साफ सुथरा खाना खाएं। साफ सुथरा खाने से मतलब ये है कि जैसे आप अगर कच्ची चीजें खा रहे हैं जैसे सलाद और फल, तो ये ध्यान ज़रूर रखिए कि ये अच्छी तरह से साफ़ सुथरे पानी से धुले हों, और इन ये अब जब भी आप रखें इनको तो ये अच्छी तरह से प्रिजर्व करे गए हों या फ्रिज में रखें। बहुत ज़्यादा कैफीन नुकसानदायक हो सकती है। चाय कॉफी में कैफीन पाई जाती है, और कैफीन की अधिक मात्रा से नींद न आना, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द की समस्या हो सकती है जिसकी वजह से थकान हो सकती है, इसलिए चाय कॉफी का सेवन संतुलित मात्रा में करें। थकान की समस्या पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा होती है। हर दूसरी औरत को ये समस्या है जिसका मुख्य कारण शरीर में कोई रोग, आयरन की कमी और वजन का ज्यादा होना या थायराइड की गड़बड़ी भी हो सकती है। जिन कारणों से कोई बीमारी होती है दरअसल उनमें ही उसके उपचार के राज छिपे होते हैं, इसलिए बीमारी के कारणों को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आइए जानते हैं CFS किन किन कारणों से होता है। थकान आज के समय में होने वाली एक सामान्य बीमारी है। ये आज के समय में पुरुषों से अधिक महिलाओं में पाई जाती है। हर दूसरी औरत को ये समस्या होती है जिसका मुख्य कारण आयरन की कमी, वजन का ज्यादा होना, शरीर में कोई रोग और मानसिक तनाव भी हो सकता है। 10 में से जहां एक पुरुष को ये बीमारी होती है वहीं महिलाओं में इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। भीषण थकान की स्थिति में मरीज को लगता है कि उसका शरीर बिल्कुल बेजान हो गया है। हरदम मन करता है कि बिस्तर पर पड़े रहें। किसी भी काम में मन नहीं लगता। छोटे मोटे रोजमर्रा के फैसले करना भी पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम लगता है, और कई दिन तक मन बुझा बुझा रहता है। लॉन्ग स्टैंडिंग कोई भी इलनेस हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, इन्फेक्टिव इलनेस हो, आप जब रिकवर कर रहे हैं तो आपको थकान होती है। आपकी जो बीमारी का पीरियड अगर लंबा होता है तो थकान ज़्यादा देर रहती है, बट ये सब एक लिमिटेड दायरे में ठीक हो जाता है, जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में नहीं होता है। जो क्रॉनिक बीमारियां हैं उसमें थायरॉयड सबसे कॉमन रीज़न है, हाइपोथायरॉयड, जो थायरॉयड कम फंक्शन कर रहा है और थायरॉयड बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, उसमें लक्षण ये जो फटीग, जो थकान एक मेजर लक्षण होता है। डायबिटीज़, जिसको ब्लड शुगर बढ़ रहा है और उसने अपना डायग्नोसिस हुआ नहीं है, तो सबसे पहला सिम्टम थकान का होता है। तो जब भी डॉक्टर के पास आप थकान लेके जाते हैं तो ये ब्लड शुगर कराता है, आपका थायरॉयड फंक्शन टेस्ट कराता है। तो ये सारी बीमारी, आपके खून की कमी, एनीमिया हो सकता है, अगर एनीमिया है तो भी आपको थकान हो सकती है। कोई कोई विटामिन डिफिशेंसीज होती हैं, B12 डिफिशेंसीज या विटामिन डी डिफिशेंसी, इनकी वजह से भी आपको ये थकान लग सकती है। तो ये सारे टेस्ट करने से आपको मालूम हो जाता है। ऐसे लक्षण मरीज में किसी अंदरूनी मेडिकल समस्या की वजह से हो सकते हैं और मानसिक परेशानी की वजह से भी। इसके अलावा गलत जीवन शैली भी इस बीमारी को जन्म दे देती है। मानसिक थकान की वजह से सिरदर्द, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव और कई मामलों में पूरे बदन या कुछ हिस्सों में दर्द का एहसास होता है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम
स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मेरा नाम गोविंद माखरिया है और मैं एम्स न्यू दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। आज दूरदर्शन के किसान चैनल के माध्यम से मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे विश्व में और हमारे देश में भी एक बीमारी जो कि एक वायरस से होती है, कोरोना वायरस, वो पूरी विश्व में फैल रही है और हमारी कंट्री में भी ये बीमारी अब फैलने लगी है। इस बीमारी, ये बीमारी होती कैसे है और इससे कैसे बचे, इस पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। पहले जो बीमारी कैसे होती है ये समझे हम। ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को जो विदेश में है और वहां इंफेक्शन उसको लग गया और वो अपने देश में आता है तो एक पहला इंट्री होती है इस इंफेक्शन की किसी नए देश में। अब ये इंफेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकता है। दोस्तों, थकान दो तरह की हो सकती है, शारीरिक और मानसिक। हालांकि थोड़ा सा आराम करके शारीरिक थकान से जल्द निजात पाई जा सकती है, लेकिन मानसिक थकान को दूर करने में कुछ समय लग सकता है और इसके लिए आपको सही रास्ता दिखाता है योग। मंडूकासन सामान्य डायबिटीज के लिए बहुत लाभदायक है और साथ ही साथ हमारे पाचन तंत्र के लिए लाभदायक है और श्वसन तंत्र को भी स्वस्थ करने में सहायता प्रदान करता है। अब मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। मंडूकासन जिनको घुटनों में दर्द हो, टखनों में दर्द हो, वह इस आसन का अभ्यास ना करें। धीरे धीरे अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करें और अपनी मुट्ठियों को नाभि के क्षेत्र के पास रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाएं। धीरे से अपनी कोहनियां समानांतर करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें और भ्रूमध्य दृष्टि धीरे धीरे वापस आए। श्वास भरते हुए वापस आए। ध्यान रहे वापस आने के बाद भी आपके हाथों की स्थिति वही हो, ये ना हो कि नीचे ही आपके हाथों की स्थिति बदल गई। धीरे से वापस आए। अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन, श्वसन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी आसन और जिन साधकों को तनाव या हाइपरटेंशन से संबंधित विकार है उनके लिए भी, उनकी जीवन शैली में यह आसन बहुत लाभदायक है। दोनों पैरों को फैलाएं। धीरे से दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और कोहनियों को मोड़ते हुए विपरीत कंधों के नीचे अपनी उंगलियों को रखने का प्रयास करें। आंखें कोमलता से बंद करें। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे आंखें खोलें, हाथों को वापस लाएं और हाथों को नीचे ले आए। धीरे से दोनों पैरों को मिलाएं। यह उत्तान मंडूक आसन की स्थिति है। ऑफिस में बैठे हैं लेकिन काम करने का मन नहीं कर रहा। घर में भी ढेरों काम पड़े हैं लेकिन बिना कुछ किए ही थकान महसूस हो रही है, तो देर ना करें, डॉक्टर से मिले, कुछ योग व ध्यान करें और पौष्टिक भोजन ले। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलूंगी अगले हफ्ते और पूछूंगी आपसे कैसे हैं आप। नमस्कार।